नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर कोई त्रुटि हो तो गुरु जी महाराज क्षमा करें और संगत जी आप भी क्षमा करिएगा। अगर मेरे शब्दों से किसी का दिल दुखे या कुछ त्रुटि हो उसके लिए क्षमा करिएगा। और अब मैं अपनी जन्म गुरु जी से के साथ जैसे हुई थी वैसे शुरू करूंगी। और जैसे अंकल ने कहा कि आज का जो वचन है बहुत ही सुंदर, उन्होंने उसका व्याख्या भी करा कि किस तरह से गुरु जी कह के गए हैं कि मैं नहीं हूंगा, अब मेरे दर्शन चांद सितारों में हुआ करेंगे और मंदिर में इतनी लंबी लाइनें लगेंगी। और उस समय मैं भी वहीं थी गुरु जी के साथ। इट वॉज आई थिंक 2005 गुरु पूर्णिमा का दिन था। और आपको मालूम है गुरु जी का जो नूर था वो तो चंद्रमा से कई गुना सुंदर था। उनका नूर ऐसा था जैसे लगते ही नहीं थे गुरु जी इस धरती के हैं, नजर नहीं टिकती थी उनके ऊपर। और इतने इतने सुंदर गुरु जी। तो हम सारे गुरु पूर्णिमा में गुरु जी के साथ ही थे। बहुत रात हो गई थी, काफी संगत को गुरु जी ने आज्ञा दे दी थी। कुछ संगत वहां बैठी थी तो गुरु जी ने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा जा बाहर जाके चंद्रमा के दर्शन कर। तो मैं उठी नहीं, मैंने सोचा कि गुरु जी मैं आपके साथ बैठूंगी गुरु जी, क्योंकि तब तक पता चल गया था गुरु जी हैं कौन। और उनको छोड़ने का एक मिनट भी लगता था, हर पल गुरु जी के साथ ही जितना हो सके उनके सानिध्य में बिताएं। और मैंने कहा गुरु जी मैं आपके साथ ही बैठूंगी। तो गुरु जी कहते नहीं तू जाके दर्शन करके आ। मैं बाहर गई, मेरे साथ और भी कुछ संगत थी। मुझे याद है प्रेम सिंह अंकल जो सिंगापुर के एम्बेसडर थे वो रिटायर होके गुरु जी के पास ही गुड़गांव में ही सेटल हो गए थे, वो भी थे। तो हम सारे गए और बाहर जो चपूतरा है वहां से खड़े होके जब देखा चंद्रमा में तो पूरे चंद्रमा में गुरु जी का स्वरूप दिख रहा था। तो हम सब हैरान एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पहला एक्सपीरियंस था। और जब वापस आए तो गुरुजी हंस के, गुरुजी तो इतने बच्चों की तरह, गुरुजी का भगवान तो ईश्वर का स्वरूप और गुरुजी और उनका जो बाप जो कहने का हाल जैसे भी होता है वो एकदम चाइल्ड लाइक, इतना प्योरिटी। तो गुरुजी तो बच्चों की तरह हंस के कहते हैं देखा फिर। मैंने कहा गुरु जी क्या है ये, मैंने समझी आपका पूरा चेहरा उसमें दिख रहा था। तो गुरु जी हंस के कहते हैं अब से ऐसे हुआ करेगा, अब मेरे दर्शन चांद सितारों में हुआ करेंगे। मैं समझी नहीं। तो गुरु जी कहते हैं कि अभी तो तुम सब लकी हो, खुले दर्शन हो रहे हैं, उसके बाद तुम मिलो लाइन लगा करेंगी बड़े मंदिर में, मैं नहीं होऊंगा। तो कुछ समझ नहीं पाए हम, हमें लगा गुरु जी शायद कहीं गुस्सा होके कहीं दिल्ली की संगत से फिर ना चले जाए जलंधर। तो गुरु जी ने पहले ही कहा हुआ था ये, और आप सब देख ही रहे हैं किस तरह से लाइनें लग रही हैं। खाली लाइनें नहीं, मैं यहाँ सियाटल में बैठी हूँ, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में है, कोई लंदन में है, कोई पेरिस में है, कोई जर्मनी में है। कहाँ कहाँ गुरु जी की संगत गुरु जी ने अपने आप ही शुरू कराई है। दुनिया के हर एक कोने में, हर एक घर में अब गुरु जी आ गए हैं, हर एक घर में मंदिर बन गया है, हर एक घर में गुरु जी का जाप हो रहा है। ये गुरु जी के कहे हुए शब्द हैं जो पूरे हो रहे हैं। गुरु जी तो ईश्वर हैं, गुरु जी तो महादेव हैं, और उनका जो महावाक्य होता है वो बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल वैसे वैसे ही हो रहा है जैसे गुरु जी ने कहा हुआ है। और ये सब हम सब जो संगत आप कहिए पुरानी जो भी है, पर जिन्होंने गुरु जी के साथ समय बिताया, जो उनके सानिध्य में, या गुरु जी की बड़ी कृपा रही जो उन्होंने हमें अलाउ किया अपने साथ बैठने के लिए, क्योंकि हम सब तो इस लायक भी नहीं थे। पर गुरु जी की जब नजर पड़ती है तो वो सब कुछ हमारी बुद्धि भी हर लेते हैं। हमें बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी दिखते थे बस, और कुछ भी नहीं समझ में आता था। मन होता था बस गुरु जी के सानिध्य में वहीं बैठे रहे, घर जाने का किसी का मन नहीं होता था। तो यही जो वचन थे उस पर मैं ये बताना चाहती थी। और उसके बाद
मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही खुश होती हूँ कि ये मल्टीलिंगुअल ग्रुप शुक्राना गुरुजी का जो अंकल सुरेश अंकल की लीडरशिप है और कितनी कितनी संगत जो जुड़ी हुई है ये सेवा करने में उनका भी, क्योंकि खाली एक से नहीं होता, ये सारे संगत के साथ जुड़ करके जब हम सारे एक साथ काम करते हैं बिहाइंड द सीन जो है जो जो ये कर रहे हैं, जिन्होंने इतने सुंदर आज ये शपथ लगाए, जो भी व्यवस्था करी, उन सबको मैं अपने दिल से प्रणाम करती हूँ और गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि ये ऐसे ही चलता रहे और हम सारे इसे गुरु जी के नूर में ऐसे ही भीगते रहे हैं और गुरु जी के साथ साथ इतना रस आता है कि अब लगता है कि जीवन में खाली गुरु जी ही हैं। तो इतने सुंदर काम कर रहे हैं अंकल, कितनी चीजें हो रही हैं, गुरु जी की जीवनी हो रही है, गुरु जी का सत्संग हो रहा है, गुरु जी का शिवपुराण पढ़ा जा रहा है और गुरु जी की कितनी कितनी ये शब्द वाख्या हो रही है और गुरु जी के कहे हुए शब्द, उसके अलावा ये जितने भी शब्द वाणी के ऊपर किया जा रहा है, तो बहुत बहुत चीजें हो रही हैं और खाली एक ही लैंग्वेज में नहीं, बहुत लैंग्वेज में हो रही हैं। तो ये प्लेटफॉर्म वॉन्ट्स टू रीच आउट टू एवरी बडी इन द वर्ल्ड ऑल ओवर द ग्लोब और वही हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना है गुरु जी का। अब मैं अपनी जर्नी मैं कई बार शेयर कर रही हूँ तो, पर गुरु जी तो हमेशा कहते थे और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब जब गुरु जी ने मेरे से कहा तो खड़ी होकर अपना सत्संग सुना, तो हमेशा गुरु जी याद दिलाते थे कि शुरू से सुना। तो मैं गुरु जी से कहती थी, गुरु जी सब लोगों ने सुना हुआ है, तो गुरु जी कहते थे ये दवाई है सबकी, कभी ना सोच कि तू रिपीट कर रही है। कहते थे ये जो जो ये अपने एक्सपीरियंस सुनाता है तो वो जिसके कान में पड़ती है ये शब्द, ये गुरु जी की पुस्तक है, ये हमारी मेडिसिन है हमारे शरीर की, हमारी आत्मा की। और गुरु जी कहते हैं इससे ही सारे रोग भी चले जाते हैं, ये भी एक तरीका है गुरु जी का ब्लेस करने का। तो कभी ना सोचिएगा कि आपने अरे मैंने तो ये सत्संग सुना हुआ है, अरे फिर से सुनना पड़ेगा, क्योंकि खुद मेरा एक्सपीरियंस है। एक बार गुरु जी ने मेरे से कहा था, आई थिंक इट वॉज मेनका आंटी गांधी, और गुरु जी ने मेरे से कहा तू एनो अपना सत्संग सुना, तो मैं सुनाने लगी गुरु जी के आज्ञा सर आंखों पर, तो मैं सुनाने लगी। तो वो मेरे से कहती है वो आई हैव हर्ड योर सत्संग सो मेनी टाइम्स। तो मैंने उनसे बस हाथ जोड़ के यही कहा कि हम यहाँ गुरु जी के दरबार में बैठे हैं, यहाँ वही होता है जो गुरु जी कहते हैं, तो मैं वही करूँगी जैसे गुरु जी कह रहे हैं और आपको भी वही करना होगा जो गुरु जी कह रहे हैं, मुझे सुनाना है आपको सुनना है। एंड वी डोंट नो किसको ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी। अगर हम ईश्वर के दरबार में बैठे हैं तो वही होगा जो ईश्वर चाहते हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि गुरु जी को सब मालूम रहता था कितने बार किसने सत्संग किया, फिर भी वो कहते हैं सत्संग करो सत्संग करो, क्योंकि क्या मालूम उससे कितने नए लोग जुड़े हैं और कितनों के आंसर्स मिलेंगे और कितना को हम सबको ब्लेसिंग्स मिलेगी। एक नई ऊर्जा होती है गुरु जी को जब जब हम याद करते हैं, तो हमारा पूरा शरीर गुरु जी की ब्लेसिंग से भर जाता है आत्मा तक। तो मैं शुरू से ही कहूंगी जैसे गुरु जी हमेशा कहते हैं कि शुरू से बताओ कैसे तुम जुड़ी हो, कौन तुम्हारे तुमको लेके आया। गुरु जी कहते थे कभी नहीं भूलना, जो भी हमको गुरु जी के दरबार दर तक लाते हैं उनको तो नमन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वो मीडियम बनते हैं। तो ऐसे ही हम सबको, मेरी फैमिली को, मेरे परम पूज्य चाचा जी मिस्टर प्रकाश सिंह, वो हम सबको लेके आए थे गुरु जी के दरबार में, क्योंकि मेरी जो बेटी थी उसको बहुत बुरा अस्थमा था और वो बिल्कुल ही मैनेज नहीं हो पा रहा था, और जैसे जैसे बढ़ी थी और बुरा होता जा रहा था, उसके साथ साथ उसकी एलर्जीज भी बहुत थी, खाली अस्थमा ही नहीं और भी रिलेटिव उसको बहुत प्रॉब्लम्स थी, जो मैं अब बार ये नहीं दोहराऊंगी, पर मतलब सब जगह दिखा लिया था कुछ भी नहीं हो रहा था। और
दो बार तो ऐसा लगा कि वी ऑलमोस्ट लॉस्ट हर, क्योंकि उसकी सांसें एकदम रुक गई थी, एकदम नीली पड़ गई थी। तो हम सारे परेशान थे और गुरु जी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। और उसी समय मेरे हस्बैंड का ओवरसीज असाइनमेंट सिंगापुर में हुआ, तो हम सारे सिंगापुर में मूव हो गए। और देखिए, कुछ भी अचानक यूं ही नहीं होता है, जब गुरु जी का बुलावा आता है तो आपकी वो व्यवस्था बना देते हैं, वो अपने करियर के आते हैं गुरु जी। देखिए, आप में से कितने लोग होंगे जिनका ये एक्सपीरियंस होगा कि आप गुरु जी के सत्संग में जाना चाहते हो या सत्संग सुनना चाहते हो, तो अचानक ही आपको मैसेज आ जाएगा या अचानक ही आपको पता चल जाएगा कि आपके घर के पास कहाँ सत्संग हो रहा है। ये गुरु जी का वेज होते हैं आपको जोड़ने के लिए। तो ऐसे ही मुझे लगता है हम सबको गुरु जी ने अपने पास ये बुलाने का ये बहुत अच्छी व्यवस्था करी उन्होंने। और उसके बाद हम इंडिया गए और चाचा जी ने कहा, तुम लोग परेशान हो, ऐसा है मेरे गुरु जी हैं और अगर उनकी कृपा होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तब तक हम हार चुके थे, हम कहीं भी जाने को तैयार थे। बहुत ज्योतिषियों के पास चले गए, पहले बहुत कुंडली पत्री ये सारी चीजें हम करते थे। गुरु जी के पास गए तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा क्या था, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मुझे पंजाबी नहीं आती है। तो जैसे गुरु जी का के पास गई, मैंने देखा गुरु जी तो इतने यंग, आप सोचिए उस समय दिस वॉज 98, और गुरु जी इतने यंग, इतने हैंडसम, एंड ऐसा लग रहा था कि कोई यंग प्रिंस बैठे हुए हैं। और इतनी वाणी इतनी तेजी से चल रही थी, शब्द वाणी, तो मुझे समझ में नहीं आया। जैसे चाचा जी ने कहा प्रणाम कर लेना, बैठ जाना, वैसे ही प्रणाम करके गुरु जी को चरण स्पर्श करके, जैसे मैं उठी तो गुरु जी ने मेरी तरफ देख करके सब कुछ मेरे बारे में बता दिया, मेरा नाम, मेरे हस्बैंड का नाम, मेरे बच्चों का नाम, मेरे पेरेंट्स का नाम। और एट दैट टाइम आई हैड जस्ट लॉस्ट माय ब्रदर, वो आर्मी में थे, ही वाज जस्ट 40 इयर्स ओल्ड, मेरे से बड़े थे थोड़े, एंड उनका चॉपर में एक्सीडेंट में ही वी लॉस्ट हिम। तो आई वाज गोइंग थ्रू, मैं बहुत ही उस समय दुखी थी और मेरे मन में ये बार बार विचार आ रहा था, क्यों हुआ, क्यों हुआ, इतने अच्छे इंसान थे। तो मैं आज ये कहती हूँ कि मैं इतनी दुखी थी, पर उस दिन गुरु जी की एक नजर से वो गुरु जी ने मेरा दुख हर लिया। और गुरु जी ने मुझे मेरे भाई के बारे में भी बता दिया। मैं समझी नहीं, मैंने सोचा शायद चाचा जी ने बताया होगा, क्योंकि हम यही सोचते हैं ना, शुरू में नहीं समझ में आती हैं बातें, पर आपको मालूम है वहां तो कोई बात नहीं करते हैं। जाके बैठ के और लंगर हुआ, सब कुछ हुआ, और वहां बैठे और मैं बैठी बैठी सोच रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, शब्द वाणी भी नहीं समझ में आ रही थी। मैं इधर उधर सब तरफ देख रही थी, इतनी ब्यूटीफुल लेडीज सब बैठी हैं, कोई पैर दबा रहे थे, कोई कुछ, तो मुझे कुछ लग रहा था पता नहीं ये कैसे गुरु हैं, क्यों कैसे ठीक करेंगे मेरी बेटी को, आई वॉज डाउटिंग। वो गुरु जी को भी मालूम है, जी माफ करें। और गुरु जी ने मुझे बुलाया और कहते हैं कि तू डाउट कर रही है, इतने डाउट से कुछ नहीं होता है, इतने सारा कुछ प्रैक्टिकल है। और मैं एकदम से रोने लगी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं था। मैंने सोचा इनको कैसे पता चल गया कि मैं डाउट कर रही हूँ। सो दैट वॉज माई बिगनिंग कि देयर सम पावर इन गुरु जी, हाउ डिड ही नो। तो चुपचाप कहते हैं गुरु जी जाके लंगर कर ले। फिर मैं गई और मैंने ऐसे कहा, फिर गुरु जी ने, मैं अपनी बेटी के बारे में बताने लगी, गुरु जी ने ऐसे हाथ उठाया, कहते हैं जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। मैं समझ नहीं पाई, जब वापस गई तो चाचा जी ने कहा क्या कह रहे थे, तो मैंने कहा गुरु जी ने कहा कल्याण कर देता, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो जानते थे गुरु जी को 80 से जलंधर से, तो उन्होंने कहा अब वो ठीक हो जाएगी। But I was not convinced. But that was the day. Guruji ke darbar mein aate samay usne inhaler use kiya tha. Uske baad aaj tak usne kabhi bhi inhaler nahi use kiya.
दैट इज द पावर ऑफ गुरु जी, दैट इज द पावर। गुरु जी के वाक्य जो होते हैं ना, अगर उन्होंने कह दिया कल्याण कर देता तो कल्याण कर दिया गुरु जी ने। उस समय तो कोई लोटा नहीं था, उस समय तो कोई जल प्रसाद नहीं था, उस समय तो उसने लंगर भी नहीं किया था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी तो अपनी नजर से ही ठीक कर देते थे लोगों को, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। पर हम सब इंसान हैं, हमें लगता है कुछ दें गुरु जी, कुछ आशीर्वाद दें, कुछ मंत्र दें या कुछ कुछ चीज दें जिससे हमें लगे कि हाँ उन्होंने कुछ दिया है, कुछ किया है। पर वो तो उसी दिन से ठीक हो गई, उसी पल ठीक हो गई वो। फिर जाते समय गुरु जी ने कहा कि कल आई तांबे का लोटा ले आई और चांदी का ओम ले आई, और जिस तरह से गुरु जी ने कहा कि इस तरह से उसको रात में पानी भरना और सुबह आधे पानी से नहा लेना और आधे पानी पी लेना, और चांदी के ओम गुरु जी ने कहा था सिल्वर की चेन में, और उसको 51 दिन तक पहनना। और उसके साथ गुरु जी ने 3-4 चीजें बताई थी जो मैं बहुत आवश्यक है बताना। उनमें से एक चीज जो गुरु जी ने कही थी, और चीजें देखिए मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि सबके लिए ये अप्लाई करता है, गुरु जी तो उनके बेस अलग होते हैं। गुरु जी तो आपको मालूम है डॉक्टर एक ही दवाई नहीं देता है मरीज को, हर का मरीज, हर की रोग का अलग दवाई होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप सब यही सोचिए कि दिस अप्लाइज टू एवरीबडी। तो गुरु जी ने कुछ चीजें उसको कहा था, और उनमें से एक चीज मैं शेयर करूंगी विच अप्लाइज टू एवरीबडी। गुरु जी ने कहा कि आज से निंदा चुगली बंद। मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है जब निंदा चुगली बंद करते हो, एंड दैट इज सो सो ट्रू। एक्चुअली मैं वो भूल गई थी, अभी कुछ साल पहले अचानक ही गुरुजी महाराज ने याद दिलाया कि तू अपने सत्संगत में ये पॉइंट भूल जाती है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, क्योंकि इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। कभी ना कभी हम सभी करते हैं, पर अपने को चेक करते रहना चाहिए और गुरु जी के चरणों में क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं, कभी कभी कुछ बोल ही देते हैं। तो गुरु जी क्षमा करें, और बहुत ही आवश्यक है गुरु जी का हुक्म मानना। उनका जो कहना था कि मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है, देखिए कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ पर क्यों नहीं मेरा कुछ गुरु जी कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने को चेक भी करें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, हम किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम क्या गुरु जी के हुक्म में हैं, क्या गुरु जी हमसे खुश हैं, या गुरु जी, क्योंकि हमारी आत्मा से ज्यादा कोई नहीं जानता हमें। तो बहुत ही आवश्यक है कि हमें गुरु जी के हुक्म में रहें, और बहुत ही आवश्यक है कि हम निभा होके रहें। और गुरु जी का एक वाक्य बहुत ही आवश्यक है जो अक्सर गुरु जी कहते थे, निंदा चुगली से बचो। अगर आप निंदा चुगली नहीं करेंगे, आप देखिएगा आप कितने प्रसन्न रहेंगे, आपको किसी से कोई शिकायत ही नहीं रहेगी, और जो जैसा है वैसा आप एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो फिर लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अगर हम सबको माफ करते रहें और एक्सेप्ट करते रहें और खुश रहें और गुरु जी के चरणों में रोज बैठें और ध्यान में बैठें, तो अपने आप गुरु जी एक एक करके हमें संवारने लगेंगे, हमारे विकारों को हटाने लगेंगे, फिर हमें सारे लोग अपने लगने लगते हैं। ऐसा लगता है वी आर लव विद द होल वर्ल्ड, सारे अपने, सारे प्यारे हैं, कोई बुरा नहीं है। अगर कोई कमजोर है उसकी हेल्प करें, उसका उसको भी हाथ देकर के ऊपर उठाएं, उसको भी सहारा दें, क्योंकि वी ऑल आर वन। देखिए हम सारे गुरु जी के अंश हैं, सारा गुरु परिवार गुरु जी ने बनाया हुआ है, उसमें तरह तरह के फूल हैं, कांटे भी हैं, सब कुछ हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि खाली फूल फूल चुनने, कांटों के साथ भी हमें रहना होगा। तो विदाउट एनी कंप्लेंट्स मुस्कुराते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। तो ये सीख गुरु जी ने उस दिन दी, और उसके बाद जैसे जैसे वो पानी पीने लगी गुरु जी का जल प्रसाद और ओम, वैसे वैसे उसका आसमा बिल्कुल ठीक हो गया जो बचपन से था। तो गुरु जी की बहुत बड़ियाई और शुक्राना गुरु जी का।
और बचपन से वो डॉक्टर बनना चाहती थी, कहती थी कि मैं इतनी उसको सफरिंग थी, उसको कई प्रॉब्लम्स थी, उसको स्पीच की भी प्रॉब्लम थी. शी वॉज 5 years old बट शी कुड नॉट स्पीक. देयर वाज समथिंग उसके वोकल कॉर्ड में कुछ था. तो गुरु जी की बड़ी कृपा है कि किस तरह से वो बचपन से ही गुरु जी ने उसको ब्लेस कर दिया था. एंड शी वॉज टोटली फाइन. वो कहती थी कि मैं, मुझे डॉक्टर्स ने इतनी हेल्प करी है, मैं भी बड़ी होकर के बच्चों को हेल्प करूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी. और यूएस में डॉक्टर बनना कोई आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्पिटिशन होता है, बहुत लंबी पढ़ाई होती है. और गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने उसके ऊपर हाथ रखा. कहते हैं एनो तो डॉक्टर बनना ही था. एंड शी मेड इट. एंड वो कैलिफोर्निया मेडिकल स्कूल में उसका वहां पर एडमिशन हो गया. और अब वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, GI है. ये क्या है, ये सारी गुरु कृपा है. देखिए दुनिया में बहुत लायक लोग होते हैं, पर गुरु कृपा बहुत आवश्यक है हर चीज के लिए. हमारी कोई काबिलियत नहीं है. दिस इज ऑल गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी. वो एक तिनके को भी कहां से कहां ले जा सकते हैं. समटाइम्स वी डोंट डिजर्व एनीथिंग, फिर भी गुरुजी कैसे करते हैं, ये कौन करता है, ये गुरुजी करते हैं. तो आप, मैं सारी संगत से यही कहती हूँ कि गुरुजी के चरणों में बस हम बैठे रहें, उनसे उनसे प्यार करें, उनसे बातें करें, और किसी का दिल ना दुखाएं. बस यही सब है और कुछ नहीं. गुरुजी कोई रिचुअल्स नहीं कहते थे कि आप घंटों घंटों ये करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं कहते थे. कभी कभी कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो, मेरे से भी उन्होंने कहा था. तो जैसे जैसे गुरुजी ने बताया, हम सबको मालूम है. अब तक तो सारे संगत को पता चल गया है गुरुजी क्या चाहते हैं हम सबसे. पैंडेमिक के टाइम में इतनी इतनी सत्संग सुने, तो ऐसे हमारी जर्नी चलने लगी. और जब मेरी बेटी ठीक हो गई तो मुझे लगा कि गुरुजी तो कोई नॉर्मल गुरु नहीं है, देयर समथिंग बियॉन्ड हिम. क्योंकि ऐसा होता था जैसे भी हम सिंगापुर में जो करते थे और जब गुरुजी के दरबार आते थे, गुरुजी वही रिपीट कर देते थे एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड. मैं किससे मिली, किससे बात करी, कहाँ गई, घर में क्या हुआ. एंड आई वॉज टेकन अबैक कि इनको कैसे मालूम, मैं तो सिंगापुर में, गुरुजी यहाँ पर हैं. तो मैं सोचने नहीं लगती थी कि गुरुजी कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं है. एंड उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हुई जो मैं शेयर करूंगी, जिससे मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी इस शिव जी, इस महादेव, ये खाली कही हुई बात नहीं है. क्योंकि देखिए लाइफ कौन देता है, लाइफ केवल ईश्वर दे सकते हैं. और महादेव के हाथ में लाइफ है, वो चाहें तो सब रोगों का निवारण कर देते हैं एक क्षण में. ये सारी चीजें हमने गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस खुद फर्स्ट हैंड करी है. ये भी नहीं किसी का सुना हुआ है. जो जो मैं सत्संग शेयर करूंगी वो मैं खाली अपना सत्संग शेयर करूंगी, अपने फैमिली का, जो फर्स्ट हैंड हम सब ने ये सुना है. तो एक बार गुरुजी ने कहा कि तू ना बड़े मंदिर चली जा. पहले तो 7 दिन सत्संग होते थे तो बहुत अच्छा लगता था. हम सिंगापुर से अक्सर आते थे और जहाँ छुट्टी मिलती थी चले आते थे. 3-3 महीने बच्चों को लेके रहते थे नोएडा में, मेरे पेरेंट्स थे वहां से जाते थे. और ऐसा लगता था कि हमें भगवान मिल गए हैं. तो अक्सर मैं वहाँ छोटे मंदिर में बैठ करके एम्पायर स्टेट में सोचती रहती थी, गुरुजी हुआ, आप कौन है गुरुजी, आप कौन है, जो आप दिख रहे हैं वो नहीं है, ये समथिंग बियॉन्ड, आप कुछ और हैं गुरुजी. ये तो आपने हमारे लिए ये चूल्हा पहना हुआ है, पर आप हैं कौन, मैं जानना चाहती हूँ. तो ये बार बार मेरे क्वेश्चन मेरे आता था. जब जब मैं ध्यान में बैठती थी यही क्वेश्चन आता था और मैं बेचैन हो जाती थी. तो गुरुजी को तो सब कुछ मालूम है. तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और कहते हैं कि तू ना मंडे को
बड़े मंदिर चले जाना सुबह 10 बजे। ऐसे गुरु जी आप भी होंगे? कहते नहीं मैं नहीं होऊंगा, तू दर्शन करके आ जाना। तो मैं नेक्स्ट डे चली गई, मंडे था। जब वहां गई तो माली भैया थे, उन्होंने खोल दिया और मेरी सिस्टर मेरे साथ थी और जो फाउंटेन वाले शिव जी हैं जो नाग देवता उनके ऊपर हैं। जब वहां गई उनको प्रणाम किया, जब प्रणाम करके मैंने उनकी तरफ देखा तो वो आधे पूरे शिव जी हो गए और आधे गुरु जी। एंड गुरु जी स्माइलिंग एंड आई एम स्केर्ड। मैं डर गई कि क्या है, मेरा वहम है क्या है ये। मैं अपनी सिस्टर की तरफ देख रही हूँ, वो मेरी तरफ, उसको भी वही दर्शन हो रहे थे। सो वी बोथ हैड द सेम दर्शन ऑफ गुरु जी इन दैट मूर्ति शिव जी की। और कुछ समझ नहीं आ रहा था, कभी मैं प्रणाम करूं, कभी आंखें खोलूं, कभी देखूं, कुछ सेकंड तक ऐसे ही होता रहा। फिर धीरे धीरे वो मूर्ति सामान्य हो गई, एक जैसी हो गई। और जब नेक्स्ट टाइम गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने राइट अवे मेरी तरफ देख करके कहा, फिर देखा दर्शन किया, मैं कौन हूं? मैं गुरु जी के चरणों में पड़ गई। मैंने कहा गुरु जी जो मेरा क्वेश्चन था उसका आपने आंसर दे दिया, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं था मेरा। क्योंकि यही एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था, गुरु जी आप कौन हैं, आप कौन हैं? नॉर्मल कोई नहीं कर सकता जी गुरु जी, कोई आप कोई भी कैसे गुरु जी, विदाउट एनी यूट्रस, विदाउट आपकी ओवरीज नहीं है लेडीज को, गुरु जी किस तरह से चाहे बच्चे दे देते थे, ब्लेस कर देते थे। बस कनाडा से लेडीज आती थी, वहां डॉक्टर्स कहते थे कुछ नहीं हो सकता, आप जाके इंडिया अडॉप्ट कर लो। गुरुजी के दरबार में उनके रिलेटिव्स लाते थे, गुरुजी यूं ही कह देते थे। पहले तो डांटते थे, क्या मैंने यहाँ पर बच्चे देने की मशीन लगाई हुई है? और फिर ब्लेस कर देते थे। एंड विद इन अ ईयर वो बच्चे को लेके आती थी गुरुजी से आशीर्वाद लेने। ये आंखों देखी बात है, वहां बैठे बैठे देखा, हम सारी संगत ने देखा है जो वहां बैठते थे। और कितने कितने लोगों की जो हार्ट प्रॉब्लम होती थी, गुरु जी यूं समोसे क्रश करके ऐसे दे देते थे, नेक्स्ट डे सर्जरी है। वो सर्जरी के से पहले जब उनका चेकअप होता है तो डॉक्टर कहते हैं आपकी तो सारी आर्टरीज क्लियर हैं, सर्जरी की जरूरत ही नहीं है, कौन कर सकता है ये? गुरु जी ल्यूकीमिया हो, एनी काइंड ऑफ डिजीज, ट्यूमर हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, गुरु जी हर रोग को उन्होंने, आपने सुना हुआ है किस तरह से उन्होंने पार्किंसन डिजीज तक आंटी का कैसे ठीक किया है। हमारी आंखों के सामने वो चल भी नहीं पाती थी, मिस्टर शोरी की वाइफ, आंखों से देखा है किस तरह से गुरु जी ने उनका किया है, कौन कर सकता है? सारे वर्ल्ड में उनका ट्रीटमेंट कराया था, किस तरह से, मैंने कई बार शेयर किया, मेरे हस्बैंड का लंग कोलैप्स हो गया था, 90% लंग कोलैप्स। आप सोचिए आजकल तो जरा सा ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो बुरी हालत हो जाती है ये पैंडेमिक में। ये गुरु जी महाराज की ग्रेस है, ये गुरु जी महाराज की का पावर है, ये गुरु जी महाराज कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ही इज गॉड हिमसेल्फ, ही इज महादेव, ही इज शिव जी 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप नई संगत को मैं बस हाथ जोड़ के यही कहूंगी कि आप सब बहुत लकी हो जो, एंड मैं तो हमेशा नई संगत को प्रणाम करके सल्यूट करती हूँ कि आप सब बहुत हाई लेवल पर हो, बगैर गुरुजी को देखे, बगैर गुरुजी को साथ बैठे, किस तरह से आपने उनको भगवान मान लिया है और आप पूछते हो और आप उनको इतने चाव से सुनते हो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और ये बहुत बड़ी आपकी भक्ति है। दैट इज वे बियॉन्ड हम सब से, हम लोगों ने तो देखा उनको पर आप लोग बगैर देखे गुरु जी को जो इतना प्यार करते हो, दैट इज अमेजिंग। तो सबको मैं कहती हूँ कि यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ अस। और ऐसे ही जर्नी शुरू हो गई और
मुझे पता चल गया कि गुरु जी कोई ऑर्डिनरी नहीं है, वो महादेव है। और वो मैं बचपन से शिव जी की पूजा करती थी, माता रानी की, दोनों की। मुझे पता चल गया कि ये महादेव है, वही शिव जी है जिनको मैं रोज पूजा करती थी। वो कहती थी आपके दर्शन कब होंगे, आपके दर्शन कब होंगे। मैं अपनी माँ से पूछती थी, छोटी थी मैं, कि मैं इतनी पूजा करती हूँ, मुझे दर्शन कब होंगे इनके। तो कहती थी कि अभी और अपनी सफाई करो, अभी और पूजा पाठ करो, और झूठ नहीं बोलो, और ये वो जो बच्चों को माँ समझाती है, तो वैसे वो हमें समझाती थी। तो मैं कहती थी मैं तो इतना करती हूँ, मैं तो झूठ भी नहीं बोलती हूँ, मैं आपकी आपका कहना मानती हूँ, ये ऐसे ऐसे, पर मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं उनके। तो अचानक गुरु जी हमारी लाइफ में आ गए, अचानक ही गुरु जी सामने प्रत्यक्ष रूप में आ गए, महादेव के रूप में। एंड बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, उन्होंने लाइफ एकदम जैसे फूलों जैसी कर दी है। देखिए गुरु जी से जुड़ने का ये मतलब नहीं है, आप ये कभी नहीं समझना कि ये आंटी बहुत लकी है या वो अंकल बहुत लकी है, ऐसा कुछ नहीं है। लकी कुछ नहीं होता है, हम अपने आप से खुश रहना सीखें। देखिए गुरु जी से जुड़ने का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहती हूँ कि आप कभी नहीं सोचिएगा कि आप गुरु जी से जुड़ गए तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा कहीं नहीं होता है। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारी बनाई हुई हैं, हमारे अपने कर्म हैं, हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी जो वाणी है उससे हम कितने करते हैं। तो देखिए कोई भी इससे नहीं बचा है, जो भी ये तो कॉज एंड इफेक्ट है, जो भी हम करेंगे उसका तो हमें भुगतान देना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही आवश्यक है। गुरु जी तो 90% अपने संगत का की प्रॉब्लम अपनी बॉडी पर लेते थे, ऐसा कहाँ गुरु मिलेगा आपको 90%। तो खाली 10% में हम कंप्लेन करने लगते हैं, 10% भी हम नहीं सह पाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। और देखिए जब तक ये शरीर है और जब तक ये लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी, पर अगर हमें गुरु जी मिल गए हैं इस लाइफ में तब हमें उन प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस समझ करके उनको शक्ति के साथ और गुरु जी की भक्ति के साथ और उनके स्ट्रेंथ उनके सानिध्य में हम उससे भी आगे निकल सकते हैं विदाउट कंप्लेन्स। देखिए प्रॉब्लम जब आती है तो पहले हम क्या करते हैं, सबको फोन करके कहते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। वो करना बंद कर दो, क्योंकि हम वो ट्रांसफर करते जा रहे हैं और उसको एग्रेवेट करते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमको अगर अपनी प्रॉब्लम्स सहने की आदत हो जाए तो वो बहुत आसानी से कट जाएगी, पर हम उसको बात कर करके उसको उसको नासूर की तरह फिर उसको क्रश कर देते, ऐसे नहीं करिए। आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझना कि हमेशा सबको प्रॉब्लम आती है, मुझे भी प्रॉब्लम आती है, ये शरीर है, कुछ या कुछ एक्स एंड पेन्स, कुछ कुछ प्रॉब्लम तो हमेशा ही लगी रहेंगी। उसका तो हमें अपने आप से ख्याल करना है, उससे गुरु जी से क्या लेना देना, गुरु जी को क्यों हम इंटरफेयर करें। गुरु जी तो आईसीयू वाले पेशेंट्स के लिए हैं, जो इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए हैं। हम ये छोटी छोटी बातों में गुरु जी को तंग ना करें और छोटी छोटी बातों में हम अपने आप उसका निवारण करें अपने आप। गुरु जी कहते थे स्ट्रांग संगत बनो, गुरु जी कभी नहीं चाहते थे कि हम बस बैठ के बस कंप्लेन करते रहें और कुछ काम कर्म ना करें, ठीक किसी की हेल्प ना करें, कभी ध्यान में ना बैठें। ये सब चीजें नहीं करेंगे तो क्या होगा। और ध्यान में बैठने से गुरु जी एक चीज हमेशा कहते थे, ध्यान में बैठो। मैं तो अगर आप गुरु जी के बारे में अगर आप कुछ की नोट्स लेना चाहते हैं इस सत्संग के, मेरे सत्संग के द्वारा, तो मैं ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट की नोट बताना चाहती हूँ, ध्यान में बैठना। गुरु जी वॉज ऑल अबाउट ध्यान सिमरन। देखिए जब गुरु जी के दरबार में जाते थे सबसे पहले गुरु जी शब्द वाणी लगवाते थे और हम 2 घंटे
चुपचाप इन साइलेंस से बैठे रहते हैं, क्योंकि देखिए टाइम भी लगता है ध्यान में बैठना। ऐसा थोड़ी ना है कि हम बस संगत में गए और चुपचाप बैठ गए और ध्यान लग गया, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं, हमारे दिमाग में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। इट टेक्स टाइम, गिव योरसेल्फ सम टाइम टू अनवाइंड, टू अपने थॉट्स को एकदम धीमे धीमे नीचे करना, फिर उसके बाद धीरे धीरे गुरु जी का ध्यान में बैठना। टाइम लगता है, ऐसे थोड़ी ना 5 मिनट 10 मिनट बैठे ध्यान लग गया। इसीलिए गुरु जी 2-2 घंटे शब्द वाणी लगवाते थे और कहते थे टाइम से आया करो, क्योंकि गुरु जी को हमें क्लेंस करने में भी टाइम लगता है, हमें शांत करने में भी टाइम लगता है। तो कभी भी आप ये ना सोचे कि आप बैठेंगे, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए गुरु जी को, और शुरू शुरू में ऐसा होगा, फिर उसके बाद जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे आपको कम टाइम लगेगा। तो बहुत ही आवश्यक है कि गुरु जी के साथ हम ध्यान में बैठें। गुरु जी ध्यान में बैठाते थे, और अभी भी गुरु जी नहीं है कोई बात नहीं है। देखिए गुरु जी का एक एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ, जो भी मैं बताऊंगी ये मेरे साथ खुद हुआ है। और मैं गुरु जी से बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि गुरु जी ने अपने चोले में कितनी चीजें वो बता के गए हैं, जो अब हमारे लाइफ में उनके जाने के बाद बहुत इजी हो गया है गुरु जी से जुड़ना। गुरु जी ने कुछ चीजें कही थी जो मैं आपसे शेयर करूंगी 100%। तो जब मेरी बेटी, बड़ी बेटी की, मेरी 3 बेटियां हैं, और गुरु जी तो आप मालूम है कि गुरु जी वॉज वेरी ट्रेडिशनल एक्चुअली। वो ये इस तरह का रूढ़िवादी नहीं थे, ही वॉज वेरी रेवोल्यूशनरी। उनको ये बहुत वहम और सुपरस्टिशन और रीति रिवाज और ये जो लोग रिचुअल्स में रहते थे वो सब गुरु जी कभी नहीं कहते थे। तो गुरु जी कहते थे अच्छा बंदा बन, बहुत आवश्यक है अच्छा बंदा बन, उसके लिए क्या है। तो गुरु जी एक बार क्या हुआ कि उन्होंने मेरे से कहा तू अपनी ना बेटी की का ब्याह कर दे, ब्याह कर दे। एंड माई ओल्डेस्ट डॉटर वॉज स्टडिंग इन US, और वो उस समय डेंटिस्ट्री कर रही थी, और गुरु जी कह रहे थे फटाफट ब्याह कर दे। अब आप समझ सकते हैं जब कोई बच्चा यहाँ पढ़ रहा हो और ऐसी लाइन में हो तो टाइम लगता है। मैंने अपनी बेटी से कहा गुरु जी कह रहे हैं तुम्हारी शादी करने के लिए, तो गुरु जी तो जो कहते हैं मैं वही करती हूँ। तो बेटा इफ यू नो समबडी, तुम अपने मन से करना चाहती हो तो बता दो, मुझे भी इजी हो जाएगा। तो कहती है नहीं मैम मैं नहीं जानती हूँ, आप ढूंढ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ढूंढने लगी, और गुरु जी जब जाते थे उनके दरबार में गुरु जी कहते थे कोई मिला, मैं कहती थी नहीं गुरु जी। तो गुरु जी ने मेरे से कहा एक बार तू जात पात से ऊपर उठ। दैट वॉज अनदर लर्निंग, क्योंकि मैं अपने कास्ट में ही ढूंढ रही थी। मैंने वो हटा के खाली राजपूत लिख दिया, राजपूत हटा करके खाली हिंदी लिख दिया, हिंदू लिख दिया। यू वोंट बिलीव, गुरु जी ने जो कहा ना वो मानने से क्या हुआ मैं बताती हूँ। उसी दिन मेरे जो अब सन इन लॉ है उनका आया, एंड मुझे इतना अच्छा लगा। एंड लोग गुरु जी के पास पिक्चर ले जाते थे, मेरे पास कुछ था ही नहीं, पर गुरु जी को सब कुछ मालूम था। एंड उसके बाद गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया, एंड दे मेट एंड दे लाइक्ड ईच अदर। और मेरी बेटी आई हुई थी दिसंबर में, उन्हीं दिनों छुट्टियों में हम सब वहां गए, तो गुरु जी ने मेरी बेटी की तरफ देख के कहा कि नाम है। देखिए हमने कुछ भी नहीं बताया था गुरु जी को, क्योंकि दे हैड जस्ट मेट। तो वो घबरा गई, मैंने कहा नाम बताओ, तो उसने नाम बताया। तो गुरु जी ने ना कोई फोटो ना कुछ, गुरु जी ने कहा बड़ा चंगा मुंडा है, तू इफ एंड बट कर रही है। माय डॉटर इज वेरी इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ, शी डजंट टॉक सो मच, सो शी वी डिडंट इवन नो कि उसको पसंद है कि नहीं पसंद है, ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी। पर गुरु जी ने बता दिया उसको तू इफ एंड बट ना कर। एंड मैंने कहा ये गुरु जी ने मैसेज दे दिया है बेटा। और उसके बाद बातें होने लगी, सब कुछ हो गया, एंड जैसा गुरु जी चाहते थे उसकी एंगेजमेंट हो गई।
एंड गुरु जी वॉज द हैप्पीएस्ट, बहुत खुश थे गुरु जी. गुरु जी इज द हेड ऑफ अ फैमिली, ही इज द हेड ऑफ एवरीबडीज फैमिली, द होल संगत फैमिली. गुरु जी तो जैसे हमारे घर के सबसे वरिष्ठ सदस्य, कुछ भी होता था गुरु जी को बताते थे, गुरु जी खुद पूछते थे. बहुत खुश हुए गुरु जी. एंड उसके बाद उसकी एंगेजमेंट हो गई. जब शादी का हुआ तो उस समय गुरु जी ने 2006 में यहाँ भेज दिया था और कहा था कि वहीं से शादी करो. एनीवे जैसा गुरु जी का हुक्म था, तो जब कार्ड्स छप के आए तो सबसे पहले 51 कार्ड्स मैंने गुरु जी के नाम से भेजे एम्पायर स्टेट में. एंड गुरु जी वहां बांटने लगे कार्ड्स. एंड 15 संगत जिनको मैं जानती भी नहीं थी वो यहाँ शादी में आए. और शादी तो 7 जुलाई 2007 को थी और गुरु जी लेफ्ट हिज चोला उससे पहले मार्च में महाशिवरात्रि में. हम सब अपने फ्यूचर सन इन लॉ, उनके पेरेंट्स, हम सब 10 लोग गुरु जी के दरबार में गए आशीर्वाद लेने. गुरु जी बहुत खुश थे. एंड मैं एक सेंटेंस गुरु जी का जो बताना चाहती हूँ, गुरु जी ने ये कहा था कि इंडिया में शादी नहीं करना, क्योंकि हम इंडिया में जाके गुरु जी के पास शादी करना चाहते थे, पर गुरु जी न्यू ही इज गोइंग टू लीव हिज चोला, इसीलिए उन्होंने कहा था नहीं वहीं शादी करो. तो मैं पूछना चाह रही थी गुरुजी ने क्यों मना कर दिया. आई वाज लिटिल बिट अपसेट अबाउट इट. तो मैंने गुरुजी से मौका पाकर कि जब उन्होंने बुलाया ऐसी बातें करने लगते थे, तो मैंने उनसे पूछा गुरुजी आप नाराज हैं, क्यों मना कर दिया गुरुजी. एंड गुरुजी सेड मैं नहीं होगा, मेरी फोटो रख लेंगे. एंड आई वॉज नॉट कन्विंस्ड. मैंने कहा गुरुजी फोटो तो फोटो होती है गुरुजी, आप होते. तो गुरुजी ने जो मेरे से कहा वही वर्ड मैं बता रही हूँ. ही लुक्ड एट मी एंड ही टोल्ड मी फर्मली ना, जिथे मेरी फोटो होती है उत्थे ही मैं. ये बहुत बड़ी बात है. गुरुजी न्यू ही इज गोइंग टू लीव हिज चोला. दिस वाज ऑन 10th of March 2007, माय लास्ट मीटिंग इन बॉडी फॉर्म, महाशिवरात्रि. And he knew he's going to leave his chola on May 31st. He said, "Jitthe meri photo hoti hai, utthe hi main." And he told me, "Main nahi hunga, meri photo rakh lein, shaadi vich, vyah vich." And I came back, and Guruji ne message de diya tha. Yahan aake shaadiyon ki taiyariyan hone lagi sab kuch. एंड जो कार्ड्स भेजे थे गुरुजी ने, यहाँ जो संगत हैं कुछ कुछ उनकी रिलेटिव्स को वहां बांटने शुरू कर दिया और कहा कि उन्होंने बोल उषा आंटी की कुड़ी दा ब्याह है, जरूर जाए. फोन कॉल स्टार्टेड कमिंग कि आपके यहाँ कोई शादी है, आप कुछ गुरुजी को जानती हैं, उन्होंने कहा आने के लिए. आई वाज थ्रिल्ड कि गुरुजी भेज रहे हैं. गुरुजी के नाम से कार्ड गया था. मैंने कहा यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम. आपको मालूम है गुरुजी जब भेजते हैं तो गुरुजी खुद आते हैं. संगत को प्रणाम मेरा, आप आइए, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, प्लीज कम. 15 संगत आई थी जिनको हम जानते भी नहीं थे. ये क्या है, ये गुरुजी पहले से जोड़ करके गए परिवार यहां पर. बिकॉज ही न्यू ही विल लीव हिज बॉडी, वो ब्लेस करना चाह रहे थे. एंड उसके बाद आपको सबको मालूम है जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, वी ऑल वो ऑर्फन्स, ऐसा लग रहा था कोई भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है लाइफ में. उसी समय मुझे एक पार्सल आता है जो पॉल अंकल भेजते हैं. और अगर आपने देखी होगी ये शिवलिंग, ये जो शिवलिंग उन्होंने बना करके और गुरुजी के हाथ का लास्ट प्रसाद मिश्री का और की चेन्स जो गुरुजी ने कहा था उठे अमेरिका में देना, तो वो उन्होंने मेल करी एक लेटर के साथ जो मैं उनको जानती भी नहीं थी. और जब वो आया तो मैं इतना रोई हूं कि गुरुजी का ये आखिरी प्रसाद मुझे यहां मिल गया.
और ये की चेन्स मिल गई गुरु जी की, ये गुरु जी ने ब्लेस कर दिया, मुझे सहारा दे दिया। ये गुरु जी का वेज होता है, वो आपको टूटने नहीं देते हैं, वो आपको संभाल लेते हैं। उसके बाद मैं खड़ी हो सकी और शादी की तैयारी कर सकी। उस समय तक मैं इतनी टूट गई थी, मेरी बेटी कहती थी माम पोस्टपोन कर दीजिए, नहीं हो पाएगा कुछ। मैंने कहा ना बेटा, गुरुजी ने खुद इनवाइट करा है, उन्होंने खुद बुलाया है संगत को, लोगों को भेजा है, मैं कौन हो सकती हूँ। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी को मालूम था ही इज गोइंग टू लीव हिज बॉडी, एंड ये भी संगत के लिए बहुत जरूरी है जानना कि गुरुजी का उसके स्वरूप को स्वरूप ना समझें। जैसे अभी अंकल ने शुरू में कहा था, प्लीज कोई भी गुरुजी का स्वरूप, हम सबको एक अभियान करना चाहिए। मैं तो कई आर्टिकल्स लिख चुकी हूँ इसके बारे में, कई पोस्ट कर चुकी हूँ, पर प्लीज आप सब भी जहां भी हैं, आप सब इसमें ज्वाइन करिए। खाली एक कुछ नहीं कर पाएगा, हम सारे मिल करके ये प्रण करें कि आज से ना हम फॉरवर्ड करेंगे, ना हम उसको भेजेंगे, ना हम उसको एडिट करेंगे। गुरु जी स्वयं इतने सुंदर हैं और खुद उन्होंने कहा है, जहां मेरा जिथे मेरा मेरी फोटो उठे मैं। तो क्यों उस गुरु जी को हम फूलों में ऐसे बना दें या कुछ कर दें या लिख दें उनके उसमें, कभी नहीं करना चाहिए। तो मैं यही आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज ये अभियान की तरह करिए, गुरु जी के लिए करिए, क्योंकि उनके कहे हुए हैं, ये वचन है उनके, बहुत आवश्यक है। और उसके बाद तो आप सब जानते हैं गुरु जी ने चोला छोड़ दिया और किस तरह से संगत, जैसे गुरु जी ने कहा था, और बढ़ती जाएगी, वैसे ही होने लगा। हर जगह यहाँ पर सत्संग गुरु जी ने शुरू किया। सिंगापुर में गुरु जी आए दिन कितनी संगत भेजते थे, उन्होंने इतने लोगों को भेजा। उस समय ध्यान ही नहीं आता था कि मैं कुछ लिख लूं या कुछ करूं, कुछ याद ही नहीं रहता था। गुरु जी में इतना रम गए थे हम लोग कि लगता था कि हमेशा गुरु जी रहेंगे, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा। एंड जब यहाँ आए तो इतनी संगत आई यहाँ पर, पुरानी पुरानी संगत जिनको हम नहीं जानते थे, वो कहते हैं मुझे ऐसे ड्रीम में मैसेज आया गुरु जी का कि इत्थे जाओ गुरु, उषा की दे सियाटल जाओ। सो मैनी संगत की पुरानी पुरानी, मैं नाम लेने लगूंगी तो पता नहीं कोई छूट ना जाए, इसलिए मैं नाम नहीं ले पाती हूँ। और उसके बाद गुरु जी ने ब्लेस किया, संगत के थ्रू गुरु जी ब्लेस करते हैं, संगत भी गुरु जी का ये अंश होती है, उनको भी हमें मान सम्मान देना चाहिए। पर देखिए, हमें अगर कनेक्ट होना है तो खाली गुरु जी से कनेक्ट होना है, लोगों से नहीं। कभी नहीं सोचिएगा ये आंटी अंकल ऐसे हैं इनसे कनेक्ट हो, कुछ भी नहीं। गुरु जी इज द ओनली वन, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन लगाइए आप। बस वी आर जस्ट अ मीडियम, जो पल हमने क्षण बिताए गुरु जी के साथ वही हम शेयर कर रहे हैं। पर गुरु जी तो सबके लिए अवेलेबल हैं, उनके साथ आप बैठेंगे वो सुनते हैं। गुरु जी के स्वरूप के साथ आप जब बात करेंगे, मैं एक आपको कई इंस्टेंस दूंगी जो पिक्चर के थ्रू गुरु जी ने आंसर दिए, मैं बताती हूँ। क्योंकि जो तारीख शादी की मेरी बड़ी बेटी की थी, वो गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ था। अब जब सेकंड डॉटर की, जिसको ठीक किया गुरु जी ने आसमा, उसका उसकी शादी की का हुआ, तो गुरु जी लेफ्ट हिज चोला। तो मैं एक दिन गुरु जी के फोटो के सामने ऐसे बैठ खड़ी होकर के कही थी, गुरु जी अब तो आप नहीं है, कौन बताएगा ये दो तारीख है, कौन सी तारीख होनी चाहिए शादी की, मैं क्या करूं गुरु जी, किससे पूछूं। और मैं रोटी बना रही थी और रोटी में पूरा नंबर आ गया वो। हाउ इज इट पॉसिबल, गुरु जी आंसर्स एवरीथिंग, आप पूछ करके तो देखिए उनसे, किसी के थ्रू आ जाएगा, कोई मैसेज आ जाएगा, कुछ बन जाएगा, कैसे हो जाएगा सब कुछ। शुरू शुरू में जब यहाँ संगत होती थी तो थोड़े ही लोग थे, 15-20 लोग थे, तो खुद ही लंगर बन जाता था। तो उस दिन कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने दाल सब्जी जो भी था हो गया, रोटी नहीं बन पाई थी, मैं थक गई थी। मैंने कहा गुरु जी, उनके स्वरूप के आगे मैंने कहा, गुरु जी आज क्या चावल चलेगा गुरु जी?
एंड उसी समय मेरे घंटी फोन की बजती है और एक आंटी कहती है, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं रोटियां ले आऊं, ये कैसे हो सकता है। गुरु जी सुनते हैं, आप कुछ भी बोल के देखिए उनके स्वरूप के आगे, आपको आंसर कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। बहुत ही आवश्यक है, गुरु जी कहीं नहीं गए हैं, आप कभी नहीं सोचिए ये आंटी अंकल बहुत ब्लेस्ड है, इन्होंने देखा, उनके साथ टाइम बिताया। यस, मेरे ख्याल से गुरु जी ने इतने एक्सपीरियंसेस हम सबको दिए हैं जो हम सब आप अब ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आपका भी फेथ बढ़े और आपको पता चले, क्योंकि उस समय कोई मीडिया नहीं था, गुरु जी के बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। गुरु जी कहते थे मीडिया से बचो, पर अब बहुत डिफरेंट हो गया है। गुरु जी चले गए हैं, संगत बंद हो गई है, सत्संग बंद हो गए, बड़े मंदिर भी बंद हो गया, तो गुरु जी ने ये जूम के प्रति ये जो अपना ये ध्यान चलाया है उनके बारे में सत्संग हो रहे हैं, उनके बारे में इतनी चीजें हो रही हैं, ये सारी उनके ब्लेसिंग है। अगर वो ना चाहे तो हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते, कुछ या कुछ खराबी आ जाएगी आपके फोन पर या आईपैड पर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दिस इज ऑल हिज ब्लेसिंग। और इसके थ्रू गुरु जी जो भी संगत ने टाइम बिताया गुरु जी के साथ, वो सारे अपने एक्सपीरियंसेस सुना करके आपको आंसर्स मिल जाते हैं। कितने कितने आंसर्स मुझे खुद मिले हैं जो इतनी पुरानी संगत जो कभी मैंने सुने नहीं थे। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम मन लगा के सुने और उससे जो आपको मैसेजेस जो आपकी सीख है उसको नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या आपको लगा। गुरु जी तो कहते थे कि मैं संगत को बहुत प्यार करता हूं, संगत ही मेरा परिवार है, हम सब गुरु जी का परिवार है, एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के लिए प्रे करना चाहिए। पैंडेमिक में बहुत आवश्यक है कि हम एक दूसरे के लिए प्रे करें, एक दूसरे को हेल्प करें। कुछ भी ना कर सकते हैं तो अच्छी वाइब्स, अच्छी सोच कहीं भी जा सकती है, बियॉन्ड एनी बाउंड्रीज। चाहे मैं सियाटल में हूँ, सब जगह सब संगत के लिए प्रे करनी चाहिए। गुरु जी सबको ब्लेस करें, गुरु जी सब एक परिवार है, जैसे हम अपने परिवार के लिए वैसे संगत परिवार के लिए भी प्रे करना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। और खुश रहना चाहिए, गुरु जी हमेशा कहते थे खुश रहा करो। गुरु जी कभी नहीं चाहते थे हम मुंह लटका करके और सैड होके जाएं और ऐसे ही चले जाएं। गुरु जी कहते थे अच्छे चंगे कपड़े पहना करो, ये नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव नेम ब्रांड पहनो, पर गुरु जी कहते थे अच्छी तरह तैयार होके जाया करो संगत में। कुछ रूल्स होते हैं हर जगह की, हम जब काम में जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं ना, अपने वर्क क्लोथ पहन के जाते हैं, उसी तरह ये भी गुरु जी का भी एक क्लास है। ये यहाँ पर भी हमें अच्छी एनर्जी अच्छे वाइब्स देने के लिए अच्छे कपड़े भी पहनने बहुत जरूरी है। हमें अपने आप खुशी होती है, अपने आप अच्छे लगते हैं हम, जब अच्छे कपड़े पहनते हैं तो गुरु जी भी खुश होते हैं। गुरु जी चाहती हैं उनकी संगत अच्छी तरह से तैयार होकर बैठे, बहुत ही आवश्यक है। तो यही कहते हुए मेरे ख्याल से अब काफी टाइम हो गया है, वैसे तो मैं नॉन स्टॉप गुरु जी के सत्संग कर सकती हूँ, इतनी ब्लेसिंग, इतनी इतनी सत्संग है, मैं बोल बोल करके किसी दिन गुरु जी ने चाहा तो एक साथ सबको सब लोग एक साथ बैठ करके भी हम कर सकते हैं, जैसे गुरु जी की मर्जी होगी। और यही कहते हुए मैं यही विराम देती हूँ अपने सत्संग को, और गुरु जी को बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का ये मौका दे रहे हैं गुरु जी, और अंकल आपको भी बहुत शुक्राना, थैंक यू, जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी।